हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए आवश्यक बुक शैक्षिक मनोविज्ञान एवं सूचना तकनीकी की, जिसकी लेखिका डॉक्टर वंदना जादौन मैम है और इनका यूट्यूब चैनल भी है और बहुत से विद्यार्थी इनसे पढ़कर सिलेक्शन भी प्राप्त किया है। और दोस्तों, इस बुक को ऑनलाइन मंगवाने के लिए आप अपना बुक स्टोर पर देख सकते हो। दोस्तों, आज हम इस किताब का रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी विषय सूची देखते हैं, जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार है और ये लेवल वन लेवल टू दोनों के लिए है। इस सबसे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान दिया हुआ है, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र एवं कार्य दिया हुआ है। फिर बाल विकास दिया हुआ है, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। फिर व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व मापन। फिर बुद्धि संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन। फिर अधिगम दिया हुआ है दोस्तों, अधिगम, अधिगम का अर्थ है हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां। फिर अभिप्रेरणा और अधिगम, इसमें अधिगम का में इसका प्रभाव। फिर विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले बालक। फिर दोस्तों, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। फिर दोस्तों, सूचना तकनीकी दिया है, जो कि 10 नंबर का मीटर है। 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इस टॉपिक में से, लेवल वन एवं लेवल टू दोनों में। सबसे पहले सूचना तकनीकी में सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, फिर उसके उपकरण, फिर अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव। दोस्तों, चार टॉपिक है, चारों को संकलन किया गया है 38 पेजों में। और प्रमुख सिद्धांत लास्ट में 2 पेजों में प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका पेज देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, संप्रत्यय, क्षेत्र एवं कार्य। और दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से, बढ़िया, अच्छा फॉन्ट है, ज़्यादा छोटा फॉन्ट नहीं है। और जो मेन मेन शब्द है, जब मेन मेन टॉप पॉइंट है, उनको हाईलाइट किया गया है। दोस्तों, देख सकते हो आप, शिक्षा का अर्थ दिया हुआ है और बच्चे को अच्छे तरीके से याद हो सकता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी बुक आती है इनकी और बहुत टाइम हो गया इनको बुक, और क्वेश्चन भी मिलते हैं इनकी किताब में से। और ज़्यादा पेज नहीं है, 200 पेज है दोस्तों, लगभग 21 महीने के अंदर अंदर रिवीजन करके कवर कर सकते हो आप दोस्तों, इसको पढ़कर रिवीजन करके। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों, पुराने पेपरों में आए, जो टॉपिक के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन आए वो दिए हुए दोस्तों। दोस्तों, आपको अगर बुक लेनी है, अगर आपने साइकोलॉजी की बुक नहीं ली, तो आप बेस्ट बुक है वंदना जादौन मैम की, और इससे पहले भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, वो भी अच्छी बुक है। दोस्तों, आपको जो भाषा सरल लगती है, आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर कंपेयर करके देख सकते हो, जो किताब या जो भाषा सरल लगती है आप ले सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, इसमें एक मिस प्रिंट हो गई है, 3rd ग्रेड RPSC, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा, RPSC नहीं लेगा दोस्तों इसका एग्ज़ाम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें दोस्तों, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। आप ले सकते हो दोस्तों, इसकी प्राइस दी नहीं है इसमें, बाकी लगभग 150 से 200 के बीच में मिल जाएगी आपको। धन्यवाद।